पीटीआई लाहौर के हवाले से अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं पीटीआई लाहौर से इलेक्शन टिकट्स के फाइनल उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में ताखीर मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक 29 अप्रैल को लाहौर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए ऐसा फैसला किया गया है। अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं पीटीआई लाहौर से इलेक्शन टिकट्स के फाइनल उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में ताखीर मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक 29 अप्रैल को लाहौर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए ऐसा फैसला किया गया है। अहम खबर है जो आप तक पहुँचा रहे हैं कि पीटीआई लाहौर से इलेक्शन टिकट्स के फाइनल उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में ताखीर मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक 29 अप्रैल को लाहौर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए ऐसा फैसला किया। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ लाहौर से इलेक्शन टिकट्स के फाइनल उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में ताखीर मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक 29 अप्रैल को लाहौर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए ऐसा फैसला किया गया है। अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर से इलेक्शन टिकट्स के फाइनल उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में ताखीर मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक 29 अप्रैल को लाहौर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए ऐसा फैसला किया गया है। अहम खबर से आगाह करते चले आपको बताएं 29 अप्रैल को लाहौर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए यह फैसला किया गया है। फैसला यह है कि लाहौर से इलेक्शन टिकट्स के फाइनल नामों के ऐलान में ताखीर मुतवक्के है। इस हवाले से मजीद तफसीला जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग उमर दराज से। जी उमर बताइएगा इस सिलसिले में मजीद क्या अपडेट्स हैं। तरीके इंसाफ ने जो है लाहौर के उम्मीदवारों के नाम जो है वो तो तखीर प्लान कर दिया गया कि उनके नामों का ऐलान जो है तखीर से किया गया। इसकी पेपर पर लाहौर में अपनी तरीके का बड़ा शो करने वाली है जिसकी वजह से जो है इन्होंने उम्मीदवारों का नाम लेना जो है वो भी ऐलान करना मना कर दिया। इसकी वजह यही है क्योंकि इस जलसे को वो बेहतर अंदाज में चलाना उसके तारीख और कामयाब बनाना चाहते हैं। तरीके साहब के जो इंतजामिया उनके जराये के मुताबिक कहने के अगर ना अगर उनके नामों का ऐलान जैसे पहले कर दिए गए तो जिन उम्मीदवारों को जो है मुमकिन कर दिया जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए उनका रद्दमल के जो वो जलसे में शिरकत ना करेंगे जिससे जैसा जलसे का नाकाम होने के साथ से दूसरा चीज ये कि लाहौर और सेंट्रल पंजाब के इख्तलाफात की वजह से अंदरूनी सबजन खेलने का जो खतरा है उसको जो है वो अभी थाम दिया गया जिसके एतराज और जलसे में भी पड़ सकते हैं। इसकी वजह से उम्मीदवारों के नामों के लाने तकलीफ का जो है वो फैसला किया गया ताकि जो है जलसे को कामयाब बनाया जा सके। 29 अप्रैल को लाहौर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए ऐसा फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया उमर दराज तफसीलात से आगाह करने के लिए।